संजय शर्मा, वी कॉल हिम गुड्डू जी, एंड ऑनलाइन 24/7 इज अ ग्रिड, वेरी वेरी ग्रेट नेम फॉर अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड नाम से ही पता चलता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दे गोइंग टू रॉक इट. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू. और उसी के बेस पे हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं ऑनलाइन 24/7, जो कुछ नया है, नया कंटेंट है यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए. सो नया कंसेप्ट है, तो उसकी आज हमारी लॉन्चिंग है और आगे आप सभी का साथ चाहिए हमें इस मूवी के लिए, सफलता के लिए. सो थैंक यू. और कुछ फिल्म की कास्ट है, लीड एक्टर में अहम शर्मा और अंकिता चौहान एंड अभिमन्यू सिंह जी जो विलन के कैरेक्टर में हैं, मैं खुद विपुल सोगानी, संजय शर्मा डायरेक्टर हमारे, राजेश शर्मा, ब्रिजेन जी काला, दीपक जी शिरके और विश्वजीत सोनी, विपिन जी शर्मा, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सब नॉन आर्टिस्ट हैं. सो मज़ा आएगा उनके साथ काम करके, हमें भी, हमारा पहला वर्क है. सो थैंक यू. ये ऑनलाइन 24/7 है, आजकल आप देखते होंगे सारी जगह ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन. तो जब मूवी आएगी तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन क्या चीज़ है. तो देखिए, हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी सो गुड टू सी यू. सेम यार, आई वाज सो हैप्पी. सो हैप्पी बोले ना सब साथ वाले की. सब मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है, अपने कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ. जैसे पुलिस वाला, या बोलूं सर? हाँ, ऑनलाइन 24/7 जो आप कह रहे, उन्होंने बताया होगा काफ़ी उसके बारे में. मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं एक पुलिस वाला गेंद क्योंकि प्ले कर रहा हूँ. नॉर्मली 90% मुझे कॉल्स उसी के लिए होते हैं. सो इसमें भी मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरी एक फैमिली है, एक बैकग्राउंड मेरा दिखाया है. नॉर्मली नहीं तो वो आपको जो मैंने अभी तक फिल्में की उसमें वो देखने को मिला नहीं है. तो इसमें कम से कम एक अच्छा पार्ट ये है मेरे लिए कि मेरी एक फैमिली बैकग्राउंड दिखाया, जहाँ वाइफ है, बच्चा है, जो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको एक एज एन एक्टर मेरे को भी मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आई एम, मेरे पास कुछ और भी करने को है, यू नो, एक अपने इमोशंस जो घर के एक इमोशंस होते हैं उसमें दिखाने को. तो वो भी एक है जो डेफिनेटली आई डोंट वांट टू रिवील सो मच, बट यस, it's a thriller mystery and the whole series about the gambling and all, and there are a lot of characters and lot of interesting characters there. About my character, there are too many shades in this girl, so at the same time I'm positive, but later on I will be absolutely negative. So for me as an actor, bahut sare layers hain to perform, because as an actor also we like to perform, we like to explore ourselves. So this is something very very interesting and I'm looking forward and glad to associate with the interesting cast and the producer and the director Sanjay ji. Thank you. मैं बहुत ही ज़्यादा excited हूँ क्योंकि मैं पहली बार सर के साथ काम कर रही हूँ. पहली तो इसी चीज़ की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, और second चीज़, मेरा character बहुत ही प्यारा सा है. मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती हूँ अभी आपको, पर आई होप कि आप सभी को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा. बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. बाकी कुछ कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, क्या प्ले कर रही हैं? सॉरी, माय रोल इज़ बेसिकली बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की बिलोंग करती है, और वो कैसे बहुत रिच बनती है, उसके बाद कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग एंड ऑल, तो कैसे उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलती है, बस इसी तरह से एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है. मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे ऐसा सब्जेक्ट, चैलेंजिंग सब्जेक्ट दिया है डायरेक्ट के लिए. यस, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर. क्या खास बात है सब्जेक्ट? देखिए, आपको टाइटल से ही पता लग जाता है, इट्स ऑनलाइन 24/7 एक बेसिकली एक गैम्बलिंग के ऊपर है. और ये जो सब्जेक्ट है बड़ा यूनिक सा सब्जेक्ट है और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है इसको डायरेक्ट करना. और इस वक्त मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊँगा इस सब्जेक्ट के बारे में, बट इतना बताऊँगा कि ये गैम्बलिंग के ऊपर है, बहुत ऑथेंटिक है और रियल ट्रू इवेंट्स पर है. और
बाकी इसके बारे में बहुत कुछ मतलब बताना मतलब मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में। देखिए अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई हैव रिसेंटली कम ऑन बोर्ड एंड इट इज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्टफ, सो आई एम होपिंग दैट वी विल ऑल टुगेदर डू अ ग्रेट जॉब। रोल इंडिया का बहुत ही खतरनाक बुकी है और बाहर से ऑपरेट करता है, इंडिया में ये एंटर भी नहीं कर सकता, उसी लाइन पे है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक आई लेट हिम स्पीक एंड आई विल जस्ट एग्जिट, थैंक यू वेरी मच। क्या रिएक्शन है? अच्छा रिएक्शन है बिकॉज बहुत बढ़ गया फिल्मों में काम करने के लिए। हाँ, और बहुत सारे एक्टर्स को भी काम मिल रहा है, काफ़ी टेक्नीशियंस को काम मिल रहा है, लोग बिजी हो गए हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि एक तरह से बहुत अच्छा है बिकॉज इतने लोगों को काम मिल रहा है और छोटे से लेकर बड़े लेवल पे हर कोई अपना टैलेंट शो केस कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि फीचर फिल्म में लेंथ मिल नहीं पाता दूसरे एक्टर्स को, हीरो हीरोइन और विलन के अलावा, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक छोटे से छोटे एक्टर्स का भी कैरेक्टर बहुत अच्छे से शेपअप हो सकता है और किया जा रहा है बिकॉज वहाँ पे टाइम की कोई कमी है नहीं। तो आई थिंक इट्स अ बून इन डिसगाइज और ये अच्छा कंटेंट हमको देखने को मिले ये हम लोग होप कर रहे हैं। टाइम टाइम की बात है, कभी मुझे याद है कि हमारी फिल्मों की रीमेक वो लोग करते थे, आज हम उनकी रीमेक कर रहे हैं, तो समय का पहिया है जो घूमता है और अभी शायद हवा साउथ की तरफ तेज चल रही है। मैं एक्चुअली रीमेक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि रीमेक करनी चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हिंदुस्तान में इतनी कहानियाँ हैं, तो हम क्यों ना कोई ओरिजिनल चीज़ पेश करें दर्शकों के लिए, बिकॉज वैसे भी कोविड में मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं उनका टेस्ट बहुत डेवलप हो गया है। जो आंटीज़ थी, जो इस तरह की घर पे काम करने वाली हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, उन लोगों ने भी डच, फ्रेंच और सारी सीरीज़ देख डाली, तो उनको पता चल गया कि अच्छा सिनेमा क्या है, अच्छी स्टोरी क्या है, अच्छी एक्टिंग क्या है। तो मेरा ख्याल है कि रीमेक बहुत हो गया। मैंने देखिए मेरे ख्याल से ये जैसे होता है वैसे ही चलता है सब कुछ और हर किसी का अपना आइडिया है। अब हमने कोई अच्छी चीज़ बनाई, दर्शकों को अच्छी नहीं लगी, तो वो लोग ऑब्वियसली, जैसे कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा बैट्समैन है, जिस दिन जीरो पे आउट हो जाता है वो भी गाली खाता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आर्ट वर्ल्ड है, कभी आप मिसफायर कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सर, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बिकॉज मैं कर रहा हूँ कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म्स कर रहा हूँ और बड़े बैनर्स के साथ भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में इससे अलग हट के बात किया जाए। थैंक यू, थैंक यू। बस यही कहेंगे कि मतलब कोविड के बाद दुकानें फिर से खुल गई हैं और जिस तरीके से सब लोग धीरे धीरे अपना काम किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और अब कुशल मंगल तरीके से कर रहे हैं, पहले डर डर के करते थे, अब ये है कि मतलब कम से कम, पहले जब शूट हुआ करता था कोविड के टाइम पे तो ऐसा लगता किसी आईसीयू में शूट कर रहे हैं आप, और न कैमरामैन दिखाई देता था, न आपके स्पॉट, न कॉस्ट्यूम, न हेयर वर्क, कोई पता नहीं लगता था, लेकिन अब फिर से वो ज़िंदगी आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि फिर बाहर जैसे कहते हैं कि लौट के आती है एक बार, तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो सीरीज़ हम लोग आई थिंक इंदौर, भोपाल, गोवा, इधर उधर काफ़ी जगह करेंगे, और ये बढ़िया पल जो कि छूटे जा रहे थे वो अब वापस आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किरदार इसमें भी एक इंटरेस्टिंग है जो कि बहुत शांत स्वभाव से रहता है, लेकिन
कहीं ना कहीं एक शरारत छिपी हुई है, तो बढ़िया है। आई थिंक जब बन जाए तो शायद तभी पता, लेकिन निराश नहीं रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। Absolutely. First of all, good evening everyone. Thank you for being here. And I'm very, very happy to be here. About this project, yeah, it's a great opportunity for me. I feel really blessed and lucky, fortunate that I got this part. So yeah, I'm eagerly waiting and looking forward to, you know, begin work with this one. ये किरदार रैक्स टू रिचेस की स्टोरी है बेसिकली, फ्रॉम नोबडी टू बिकम समवन हु इज रूलिंग द रूस्ट, हु इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द स्काई। ये एक दूसरी तरह की दुनिया है जिसमें आपको ये ले जाएगा, लाइक द नेम सजेस्ट, ऑनलाइन 24/7। एक ऐसी दुनिया जिससे हम सब लोग वाकिफ नहीं हैं, वो एक उस तरह का एक्सपीरियंस होगा, वो दुनिया दिखाई जाएगी। सो ये जो मेरे किरदार के बारे में शायद आप पूछ रहे थे, सो ये एक सिंपल सा लड़का है जो कुछ नहीं है, लेकिन कैसे डेस्टिनी उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाती जाती है, अल्टीमेटली वो एक जो करता है मैं पूरा बता नहीं सकता, उसका वो किंग बनता है कैसे, तो उसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग। आई एम प्लेइंग ए बैड गाय इन दिस फिल्म, एज आई प्लेड इन जहांचार्यार एंड मिर्जापुर। मैं इट्स मोर लाइक स्टाइलिश बैड गाय जो कैसीनोज ऑन करता है, जो चलाता है, जो सारी डील्स करता है। सो इट्स एन अमेजिंग रोल एंड थैंक्स टू विपुल भाई, थैंक्स टू अभिमन्यु सर दैट आई एम डूइंग दिस, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द रोल। या अब लॉन्ग टाइम कहाँ भाई, मेरी अभी जहाँ चार यार रिलीज हुई है, मिर्जापुर रिलीज हुई है, मेरा गाना इश्कम 180 मिलियन पे चला गया है। मैं यार मेरा ज़्यादा अभी वर्ल्ड टूर था, आपको पता है मैं सिंगर भी हूँ, तो US टूर था, फिर मैं दुबई में भी ज़्यादातर रहता हूँ, और अब बॉम्बे वापस आया हूँ, तो अपनी इस वेब सीरीज़ के लिए आया हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के यहाँ पर, यू नो बहुत पुराना साथ है आप लोगों से मेरा। देखिए, सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप सब ने मुझे आमंत्रित किया है, और इसे भी बॉलीवुड के लिए यह साल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। 23 अक्टूबर से बहुत अच्छा ये साल रहेगा, और दिल की गहराइयों से जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी कलाकार हैं, और जितने भी प्रोडक्शन हाउस, हम सबको बताना चाहते हैं कि आपका जो सब्र का फल है वह मीठा होने जा रहा है, आप सबके जीवन में बहुत सारे आनंद का योग बनते जा रहा है। जय माता दी। Fabulous, fabulous project, and I'm looking forward to watch it. Thank you. I changed it quite fast. How do I look? Gorgeous. Thank you. So, Nandji, Big Boss 16 started here. Sabni ji, aap log bahut good. I am watching. I mean, they all are good, yeah. They all are good. Koi contestants jo aapke favorite hai ya fir aapka koi friend hai? Not my friend, but I mean I understand because I've been in lockup, so I understand, you know, कि जब आप कैमरे के सामने 24 घंटा रहते हो तो क्या हालत होती है। तो माय सपोर्ट इज फॉर एवरीवन, आई होप द बेस्ट वेन। थैंक यू। आपने बताया कि आप लॉकअप में भी थी, तो अगर आपको अगर चांस मिलता है बिग बॉस में जाने का, जैसे कि पहले भी आपने अनुभव लिया ही है, अगर जाने का मौका मिलता तो क्या इस्तेमाल आप करेंगे? सभी कंटेस्टेंट्स को कितना टक्कर देना है? टक्कर देने के लिए नहीं बाबा, मैं बहुत छोटी हूँ, बट या आई मीन इफ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू गो। थैंक यू। दिस इज द एरा ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, दिस इज द एरा ऑफ यू नो डिजिटल बिजनेस, एंड आई एम श्योर एनी सेंसिबल वेंचर यू नो इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी विच इज ऑनलाइन डिजिटल OTT व्हाटएवर इट इज, you know, if any business which understands the sentiments of the consumer, the pulse of the consumer, will do well. So I'm looking forward, hopefully online 24/7 also will be an excitingly successful venture. Host kar raha hu the postal launch of online 24/7,
बट संजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं ओशंस फैंटेसी प्रोडक्शंस एंड इवेंट्स, इसको प्रोड्यूस कर रहा है. अंदर के सूत्र कहते हैं कि सब्जेक्ट बड़ा अनोखा है, लिविंग ऑन द एज है, 6-part सीरीज है, अभिमन्यु सिंह है, मंझे हुए कलाकार हैं. तो मुझे यकीन है कि ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस, ऐसे टैलेंट और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ ऑफकोर्स पाथ ब्रेकिंग कॉन्टेंट बनाएगा. और आजकल से कॉन्टेंट इज किंग, इट डजेंट मैटर कौन स्टार है, कौन मेगा स्टार है, स्क्रिप्ट अच्छी हो, स्क्रीन प्ले अच्छा हो, एक्टर्स अच्छे हो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. तो ये 6-part सीरीज डेफिनेटली इम्पैक्ट छोड़ेगा बिकॉज इट्स गॉट अ स्टोरी लाइन जो हम सबको रिलेट कर पाएगा एंड ऑफ कोर्स लिविंग ऑन द एज. यस, जो दहकती आवाज़ है यही बताती है कि इसमें कंटेंट कितना सॉलिड है. तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक अब मीडिया के लोगों के बीच आकर कोई सेलिब्रिटी या कोई कॉमेडियन जब भी कंटेंट की बात करेगा तो उसे यानी मुझे बहुत कमाल की एक्सपेक्टेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही कमाल की टीम है, क्रिएटिव्स बहुत सॉलिड है और स्टार कास्ट. सो और होप फॉर द गुड. थैंक यू.